नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं उस वटी के विषय में वर्णन करने जा रहा हूं जो वटी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। चाहे कंसंट्रेशन की कमी हो, एकाग्रता की कमी हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता, एक विषय पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दे सकते, या एक ही चीज लगकर नहीं कर सकते, या बार बार विचलित होता है दिमाग किसी चीज को करने में, या ग्रैस्पिंग पावर, धारण शक्ति, जिसको धृति स्मरण शक्ति बोला जाता है आयुर्वेद में, धी धृति और स्मृति, ये तीनों चीजें यदि आपकी सही नहीं है, किसी चीज को ग्रहण करना, धृति उसको धारण किए रहना और स्मरण शक्ति उसको हमेशा याद रखे रहना, ये यदि आपकी सही नहीं है, आप दूसरों की अपेक्षा ज्यादा ढंग से याद नहीं कर पाते किसी चीज को, और याद कर भी लिया तो बहुत समय तक आप उसको अपने दिमाग में, अपने खोपड़े में नहीं रख पाते हैं, और कई बार एग्जाम में जाने पर या इंटरव्यू में जाने पर ब्लैंक हो जाता है, टोटली ब्लैंक, वहां पे खाली हो जाता है, सुन्न सा हो जाता है, कुछ भी नहीं याद आता है, टोटली आप भूल जाते हो, या तो आप घबराते हो, स्टेज फियर आपको रहता है, बोलने में आपको फियर होता है कि बहुत सारे लोग हैं तो आपको बोला नहीं जाता, आप घबराहट में कुछ का कुछ बोलने लगते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलने लगते हैं, और जितना बोलना चाहिए उतना ना बोल के बीच में ही आप कह देते हैं कि चलिए मैं यहीं पे अपने स्पीच को विराम देता हूं। सो ये सब चीजें, उसके बाद विक्षिप्तता, पागलपन, दिमाग की विक्षिप्तता से संबंधित कोई भी बीमारी, उसको बहुत सारी चीजें बोला है मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में, पर विक्षिप्तता से संबंधित कोई भी मानसिक बीमारी है, पागलपन से संबंधित कोई भी मानसिक बीमारी है, या मिर्गी है, या क्रैम्प्स है, या आपको कंपन होते हैं, पार्किंसनिज्म की बीमारी है, या चक्कर आते हैं, मानसिक दबाव, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, अनिद्रा की शिकायत, इनसोम्निया, अनिद्रा होना, इन सब के लिए और दिमाग को तरोताजा रखने के लिए यदि आप बहुत मानसिक कसरत करते हैं, यानी बहुत पढ़ाई करते हैं, कई टफ एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, या फिर आप डॉक्टर हैं, आप एडवोकेट हैं, आप कोई विशेष पद पर हैं, तब आपको जूझना ही पड़ता होगा नए नए तथ्यों को सीखने के लिए, अपने दिमाग को ज्यादा प्रयोग करना पड़ता होगा। तो प्रायः कौन कौन सी चीजें मैंने आपको बताई, डिप्रेशन में आपको स्टेज फियर है उसमें, इंसोम्निया में, कंसंट्रेशन की कमी में, एग्जाम फियर में, एग्जाम फोबिया में, मिर्गी में, पागलपन में, चिंता, एंग्जाइटी में, नींद ना आने में, और आप यदि कोई विशेष तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपका दिमाग जितना तेज चलना चाहिए उतना तेज चलाने के लिए ये दवा अमृत तुल्य है। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो इसका प्रयोग जरूर करिएगा, आपका दिमागी जो स्वास्थ्य है वो उन्नत होगा, साथ ही साथ शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों चलिए अब इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, इस सरप्राइज को दूर करते हैं, और आपको बताते हैं इस वटी का नाम। इस वटी का नाम है ब्राह्मी वटी, इस वटी का नाम है ब्राह्मी वटी, शायद उल्टा दिख रहा होगा आपको कैमरे पर दिस इज ब्राह्मी वटी। स्वर्ण युक्त आपको लेनी है, यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो सादी ब्राह्मी वटी आप ले सकते हैं, यदि आर्थिक स्थिति है अच्छी तो ब्राह्मी वटी स्वर्णयुक्त आती है, स्वर्ण व मोती युक्त वही लेना है, सोने व मोती की भस्म से युक्त आती है वही आपको लेना है और इसी का आपको प्रयोग करना है। तो ये है ब्राह्मी वटी, ये मेरे हाथ में डाबर की ब्राह्मी वटी है, स्वर्ण व मोती युक्त। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या मिला होता है और उनके क्या क्या गुण होते हैं। दोस्तों ये इसके अंदर एक पर्चा निकलता है, लीफलेट निकलता है, ये आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए भी यूजफुल है। इसमें इन्होंने जो इसका वर्णन किया है, उपयोग बताया है, यहाँ पे उपयोग बताया हुआ है हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में बताया हुआ है, तो हिंदी में मैं आपको बताता हूं। तनाव, दबाव, थकान, असंतुलित व्यवहार, नींद ना आना,
चक्कर आना आदि व्यवस्था में एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाता है तथा नाड़ी संस्थान यानी आपके नर्वस सिस्टम को, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो या आपका कोई भी मोटर सिस्टम हो, उस सभी को ये बैलेंस्ड करता है, सपोर्ट देता है। तो इन सब चीजों में ये उपयोग आती है, मैंने आपको ये सब चीजें बता दी हैं। अब किस में इसको किस तरीके से प्रयोग करना है, साधारण विधि लिखी कि 1 से 2 टिकियां सुबह शाम मधु के साथ, शहद के साथ या चिकित्सक के निर्देशानुसार दीजिए। इस समय पे आपको क्या परहेज करना चाहिए, आपको खाना चाहिए हरी सब्जियां, दूध, गुड़ आदि, और तला व मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। अब इसमें क्या क्या मिला है तो वो मैं आपको बता दूं। इसमें लिखा है ईस्ट टैबलेट ऑफ 125 mg इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाउडर ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मी के पाउडर से मिलकर बनी है, त्वक यानी दालचीनी, जातिफल, लवंग यानी लौंग, मरिच, काली मिर्च, लोह भस्म, सुंठी, सौंठ, अकरकरा, धनिया, धान्याव, गज पिपली, वचा, अजमोदा, तेजोवती, शुद्ध हिंगुल और कृष्ण जीरक, पिपली मूल, विडंग, माणिक्य भस्म, मिश्री, श्वेत चंदन, पुष्कर, सतावरी, त्रिकंटक भस्म, त्रिव्रत, निशोथ, प्रवाल भस्म, यवानी यानी कि अजवाइन और पार्शिक यवानी, एक दूसरे प्रकार की अजवाइन, संगेय भस्म, स्वर्ण भस्म, मोती भस्म। तो ये सब चीजें इसमें मिली हुई हैं दोस्तों, ये इतनी बेहतरीन चीजें हैं जो आपके दिमाग को स्वस्थ रखेंगी हमेशा, साथ ही साथ शरीर को भी हमेशा स्वस्थ रखेंगी। आपको कोई भी छोटी मोटी बीमारी या बड़ी बीमारी भी आसानी से नहीं हो पाएगी, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि आपको कोई भी छोटी मोटी बीमारी नहीं हो सकती, आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये जो टैबलेट है, ये जो गोली है, यह स्वर्ण और मोती युक्त ब्राह्मी वटी है, और मैं बोलूंगा कि जिन लोगों को दिमाग की कोई समस्याएं हैं उनके लिए अमृत है। केवल इसका प्रयोग करने से ही बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ये टैबलेट आप देख सकते हैं, इस तरीके की टैबलेट होती है, ये 10 टैबलेट आती हैं। स्वर्ण युक्त इसका रेट होता है ₹315। तो यदि आप सक्षम है तो ये लीजिए, ये सबसे श्रेष्ठ है। यदि सक्षम नहीं है तो साधारण ब्राह्मी बटी ले लीजिए, 80-90 रुपए की आती है और 40-45 टैबलेट्स आती हैं, तो आसानी से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको कैसे प्रयोग करना है, तो सबसे पहले जो व्यक्ति एकाग्रता के लिए इसका सेवन कर रहे हैं, एक एक गोली जो पढ़ाई में अपने दिमाग को शार्प करने के लिए, एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, एक एक गोली सुबह शाम आपको 4 चम्मच ब्राह्मी के जूस या ब्राह्मी के सिरप के साथ सुबह शाम लेना है खाने के 20 मिनट पहले, और उसके बाद आप 2 बादाम 2 छुहारे खा सकते हैं, इससे कॉन्सेंट्रेशन पावर आपका बहुत बढ़ेगा। अब जो लोग तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, और जिन लोगों को बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, स्टेज फियर होता है, बोलने में फियर होता है, स्टेज पे जाके दिक्कत होती है, नहीं बोल पाते, पसीना पसीना हो जाते हैं, एग्जाम में डर लगता है, उन लोगों के लिए ब्राह्मी वटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, 1/2 चम्मच अश्वगंधादि चूर्ण मिलाकर 1 कप पानी में आप 4 चम्मच ब्राह्मी का जूस या ब्राह्मी का शरबत या ब्राह्मी का सिरप मिलाइए, 4 चम्मच शंख पुष्पी सिरप मिलाइए या शंख पुष्पी स्वरस मिलाइए, और इसका सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद सेवन करिए, तथा अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भ्रामरी, उद्गीत आदि प्राणायाम करिए। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपमें कॉन्फिडेंस आने लगेगा, स्टेज पर जाने का एंजाइटी आपकी कम होने लगेगी, चिंता कम होने लगेगी, डिप्रेशन शरीर में नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा, फालतू की चिड़चिड़ बिड़बिड़ नहीं रहेगी, और दिमाग बहुत अच्छा कार्य करेगा, शांति रहेगी। अब जो लोग जिन्हें चक्कर आता है, जिन्हें नींद नहीं आती, जिन्हें चक्कर आता है, 1-2 गोली ब्राह्मी वटी स्वर्णयुक्त या 1 गोली ब्राह्मी वटी स्वर्णयुक्त, आप जैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं जहां पे ब्राह्मी वटी स्वर्णयुक्त तो कह रहा हूं, वहां पे यदि आपकी स्थिति सही नहीं है तो आप सादी ब्राह्मी वटी यूज कर सकते हैं, उसमें भी फायदा आपको पूर्ण होगा। तो 2 गोली ब्राह्मी वटी और 2 चुटकी स्वर्ण माक्षित भस्म डावर या वैद्यनाथ की तथा 2 चुटकी प्रवाल मिष्टि, 2 गोली ब्राह्मी वटी, 2 चुटकी स्वर्ण माक्षित भस्म डावर या वैद्यनाथ की और 2 चुटकी प्रवाल मिष्टि,
एक कप दूध में एक चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन करें खाने के एक घंटे बाद, तथा सोने के पहले हाथ में पैर में हाथ के हथेलियों में पैर के तलुओं में तथा ललाट पर यानी कि सिर पर आप 15 से 20 मिनट मालिश करके ठंडे तेल से मालिश करके आप सोइए। आपको नींद भी अच्छी आएगी, चक्कर भी नहीं आएगा, चिंता भी नहीं रहेगी, दिमाग पूरा स्वस्थ रहेगा, हल्का रहेगा, अच्छा महसूस होगा। अब उसके बाद कुछ चीजें बच जाती हैं, जैसे कि ये सभी चीजें हो गई, दबाव, थकान, तनाव, असंतुलित व्यवहार में। असंतुलित व्यवहार में दो गोली ब्राह्मी बटी स्वर्णयुक्त, दो गोली ब्राह्मी बटी स्वर्णयुक्त तथा सारस्वत चूर्ण। सारस्वत चूर्ण किसी अच्छी कंपनी का, जैसे मेरे पास व्यास का है, आप व्यास का सारस्वत चूर्ण ले सकते हैं, सारस्वत चूर्ण या किसी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। एक चम्मच सारस्वत चूर्ण, दो गोली ब्राह्मी बटी स्वर्णयुक्त सुबह शाम रात, चाहे मिर्गी हो, चाहे पागलपन हो, चाहे असंतुलित व्यवहार हो, चाहे विक्षिप्तता हो, चाहे दिमाग की कोई भी समस्या हो, उसमें दो गोली ब्राह्मी बटी स्वर्णयुक्त सारस्वत चूर्ण एक चम्मच तथा बचा चूर्ण एक चम्मच सुबह शाम रात खाने के एक घंटे बाद एक कप दूध में एक चम्मच शहद मिलाकर सेवन कराइए, विशेष फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है सारे रोगों को कवर करने के लिए, और आपको साथ में क्या लेना है, क्या अनुपान है वह भी बता दिया। मिर्च मसाला खटाई, ज्यादा तेल की चीजें, ज्यादा ऑयली चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर आदि का सेवन आपको नहीं करना। मूंग की दाल, रोटी, लौकी, परवल, भाजी, अनार, पपीता, सेव आदि का सेवन आपको करना है। अनुलोम विलोम, कपालभाती, भ्रामरी, उद्गीत, इन प्राणायाम को जरूर आपको सुबह सुबह 15 से 20 मिनट एक एक प्राणायाम को जरूर करना है। सुबह टहलना जरूर है। खाने के तुरंत बाद केवल एक घूंट पानी पिएं, खाने के डेढ़ घंटे बाद पेट भर के पानी पिएं, और स्वस्थ रहें, सुखी रहें, व्यायाम जरूर करें और इस वटी का सेवन करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। विशेष फायदा मिलेगा क्योंकि मेरे मरीजों को फायदा मिलता है और सैकड़ों हजारों मरीजों को केवल इसके प्रयोग से फायदा मिल चुका है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। तो विश्वास के साथ इसका प्रयोग करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस विषय में पता चल सके और वो अपने रोग से पूरी तरह मुक्त हो सके। तो अपने व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए मेरे वीडियो को, तथा यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही जादुई नुस्खे, जादुई दवाइयों वाले वीडियो आपको बिना रुकावट के मिल सकें, कोई भी वीडियो आप चूक ना जाएं। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा। यदि किसी और टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप उसमें लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने का। और यदि वीडियो में कुछ कमी लगती है आपको तो वह भी लिख सकते हैं, सभ्य भाषा में वह भी लिख सकते हैं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, यदि आप मुझसे दवाइयां बुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर मैं यहां पर नंबर दे रहा हूं, अपना व्हाट्सएप नंबर, उस पर अपनी अपनी सारी समस्या, नाम, नंबर, पता, पिन कोड, उम्र और रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको मैसेज करूंगा कि मुझे कॉल करें, तब आप मुझे कॉल करें, फिर मैं बताऊंगा कितने माह आपको दवा चलानी और एक माह की दवा की कीमत क्या होगी, वह कीमत एडवांस पेमेंट करने पर यानी एक दिन पहले ही मेरे अकाउंट नंबर पर डालने पर ही दवा भेजी जाती है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है, इसलिए मुझसे बिल्कुल भी रिक्वेस्ट ना करें, बिल्कुल भी इंसिस्ट ना करें कि सर आप दवा भेज दीजिए तब हम पैसे दे देंगे। नहीं भाई साहब, मैं नहीं भेज सकता, सुविधा उपलब्ध नहीं है, आपको एक दिन पहले ही पैसे जमा करने पड़ेंगे, और आप यदि एक दिन पहले पैसे जमा करते हैं तो मुझे तुरंत सूचित करें, दूसरे दिन मैं दवा भेज दूंगा जो भारत में 5 से 8 दिन में पहुंच जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस महत्वपूर्ण वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, उम्मीद है आप जरूर इस दवा का प्रयोग करेंगे और पूरी तरह स्वस्थता को प्राप्त करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, आप सफल रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।